हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू लूज बेली फैट एंड गेट सिक्स पैक एब्स। गाइस, अगर आप लोगों को सिक्स पैक एब्स बनाने, अपने बेली फैट को कम करना है, तो आप लोगों को पांच सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप लोग अपने घर पे सिक्स पैक एब्स बना सकते हैं, बेली फैट को लूज कर सकते हैं। कौन सा वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना, आज की इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस, वर्कआउट शुरू करने से पहले आप लोगों के दिमाग के अंदर एक बात होनी चाहिए, आप लोगों की जो डाइट है वो एकदम सही होनी चाहिए। अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप लोग कभी भी अपना बेली फैट लूज नहीं कर सकते। और आप लोगों को हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रहना है, टाइम टू टाइम खाना है, पानी आप लोगों को ज़्यादा पीना है। ज़्यादा पानी पीने से भी आप लोगों की बॉडी हमेशा फैट लॉस करती है। अगर नहीं पता तो यार गूगल पे सर्च कर लेना, पानी पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं और आप लोगों की बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी एंड आप लोगों को फैट लॉस करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट रखनी है एंड आप लोगों को रेसिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी है और साथ ही साथ आप लोगों को कार्डियो ट्रेनिंग भी करनी है। और खास करके आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करनी है। तो चलिए गाइज, अभी वर्कआउट शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है बर्पीज। बट बर्पीज करने से पहले आप लोगों को अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो बर्पीज करने का तरीका यहाँ पे देख लो, बहुत सिंपल सा तरीका है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को खड़े हो जाना है, देन उसके बाद ऐसे नीचे आना है, एक पुशअप करना है और आप लोगों को ऊपर आके ऐसे जंप करना होता है। ठीक है, ये है बर्पीज करने का सही तरीका। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ज्यादा बेली फैट है, वो लोग क्या कर सकते हैं, बर्पीज की जगह हाफ बर्पीज कर लें। कैसे करना है ये देख लें, कुछ इस तरीके से ऐसे जंप करें, ऐसे पुशअप करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। हाफ बर्पीज कर लें, आप लोगों की पूरी बॉडी का फैट लॉस हो जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को जो बेली फैट है वो भी खत्म हो जाएगा। गाइस, सेकंड एक्सरसाइज आप लोगों को अपने वर्कआउट प्लान के अंदर ऐड करनी है स्टैंडिंग क्रंचेस। स्टैंडिंग क्रंचेस कैसे किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों की पोजिशन होगी और ऐसे परफॉर्म करना है। एक दो, एक दो, तो इस तरीके से आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। रेपिटेशन रेंज 50-60 आप लोगों की होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का बेली फैट भी कम होगा और आप लोगों की लेग्स के अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी एंड आप लोगों की बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। गाइज, थर्ड एक्सरसाइज आप लोगों को अपने वर्कआउट प्लान के अंदर ऐड करनी है क्लाइंबर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स। करने का तरीका यहाँ पर देख लें, कुछ इस तरीके से आप लोगों की पोजिशन होनी चाहिए, ना तो ऐसे होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बॉडी को रखना है और ऐसे परफॉर्म करना है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, स्लो करना है तो ऐसे कर लें, थोड़ा फास्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। मैक्सिमम रेपिटेशन रेंज 40-50 जितनी भी लगा सके, 3-4 सेट लेने हैं। आप लोगों को लोअर बेली फैट अगर तो वो इससे ख़त्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर बेली फैट को कम करने के लिए। गाइस, फोर्थ एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको साइड बेली फैट है, जिनका साइड काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, उसको कैसे कम करना है, प्लैंक रोटेशन। करने का तरीका यहाँ पर देख लें, कुछ इस तरीके से आप लोगों को पोजीशन बनानी है, 20 सेकंड होल्ड करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, देन उसके बाद कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ऐसे। ठीक है, ये करना है आपको ऐसे करें, देखना आप लोगों की जो साइड फैट है वो बहुत ही जल्दी कम होगी। गाइस, अब करने वाले अपनी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हील टच। करने का तरीका यहाँ पे देख लें, जिनके अपर एब्स मिडल एब्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और आपका बेली फैट भी लूज़ करेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को नीचे लेट जाना है और ऐसे अपनी हील्स को टच करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। रेपिटेशन रेंज 15-20-25 मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे बिकॉज आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे अपना बेली फैट कम कर सकते हैं और अपने सिक्स पैक एब्स भी बना सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और स्पेशली डाइट का ध्यान जरूर रखना है। डाइट की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सिंपल सी डाइट की वीडियो बना दूंगा जिनको ओनली बेली फैट कम करना है। ठीक है, सो गाइस, ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक में शेयर जरूर करना। अगर आप लोग इसी तरह और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है भाई हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वही वीडियो बना के आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।